नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरा। तो हमने आधा किलो मैदा लिया है, उसमें एक चौथाई टीस्पून नमक डाला है, उसके बाद एक टेबल स्पून चीनी ले लिया है, दही हमने लिया है 2 चम्मच, ये देखिए, उसके बाद हमने 1 चम्मच देसी घी लिया है और 1 चम्मच बेकिंग सोडा। अब इन सबको हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा हम पानी डालकर इसको गूंथेंगे। ये देखिए, बहुत ही स्मूथ हमने सॉफ्ट गूथा है इसको, और इस पर अब थोड़ा सा हमें ऑयल लगाना है और लगभग इसे 1 घंटे के लिए हमको ढक के रखना है। ये देखिए, हमारा 1 घंटा पूरा हो गया है। ये देखिए, एकदम पूरा सॉफ्ट रुई की तरह हो गया है 1 घंटे बाद। अब इसका हम लोई बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह हम लोई के आकार में इसको लिया है। थोड़ा सा ऑयल लगा के हम उसको पूड़ी की तरह बेलेंगे। आप इसको जितना छोटा बड़ा करना है उस हिसाब से आप बेल सकते हैं। ये देखिए, इसको पतला बेलिए। ये देखिए, हमारा तेल गरम है, तो इसमें हम डालेंगे भटूरे को। थोड़ा थोड़ा इसको हम कलछी से चलाएंगे जिससे ये फूल जाए। थोड़ा इसको दाबें। ये देखिए, एकदम बढ़िया ये फूल रहा है, बहुत ही मुलायम बनेगा। ये देखिए, इसको एक बार आप उलट के भून लेंगे। इसको पलट पलट के कई बार भून तलें। देखिए, हमारा रेडी है भटूरा। अब इसको आप निकाल लें। ये देखिए, कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। इसको आप ट्राई करें, इसे आप छोले के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।